हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को पता है बहुत जल्द SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आप डेली बेसिस पर मैं आपके साथ स्टडी प्लान शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो प्री और मेंस दोनों में ही आपको दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको कवर अप करा दूंगा। अगर आप डे 1 का वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देखें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डे 5 का देखते हैं क्या टू डू लिस्ट है। तो सबसे पहले देखिए, स्लॉट 1 में आप लोगों को 7:30 और 11 के बीच में आप लोगों को सबसे पहले ये सेक्शन कवर करना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्ज़ाम में। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन नेगलेक्ट नहीं करना है। नेगलेक्ट करिएगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपको, और ये लॉस आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा, एग्ज़ाम के दिन पता चलेगा एग्जैक्ट। 20 मिनट कम से कम आपको टेबल लर्निंग, क्यू, स्क्वायर, परसेंटेज फ्रैक्शन, ये चारों में आपको टाइम लेना है। कुछ नहीं करना है, डेली बेसिस पे लर्न करना है, तुरंत याद हो जाएगा। 7:30 और 9:30 के बीच में आप लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, एडिटोरियल रीडिंग करना है, एडिटोरियल पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करिएगा उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी वोकैब मिलेगा उसे आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए, अभी आप तुरंत रीडिंग करिएगा, तुरंत वोकैब समझिएगा, तो तुरंत अगर आप RC करते हैं तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाएगा। और क्लोस्टेज, PQRS, अगर आप ये इतना सेक्शन कर लेते हैं तो आपको 15 से 20 मार्क्स यहाँ पे ही कवर हो जाएगा इंग्लिश में। स्लॉट 2 में 11:30 और 12:30 के बीच में आप लोगों को 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 नंबर सीरीज और 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं, जो आप लोगों का 10 नंबर यहां से दिला सकता है। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्लॉट 3 में आप लोगों को 3 और 5 बजे के बीच में आपको टेंस फॉलो करना है, टेंस आप लोगों को पढ़ना है। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जब भी पढ़े डिटेल्स में पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत जगह इसका कॉन्सेप्ट काम आने वाला है आप लोगों को। स्लॉट 4 में आप लोगों को 5:30 और 7:30 के बीच में ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ब्लड रिलेशन में आप कोडेड ब्लड रिलेशन जरूर पढ़े और अच्छे से पढ़े, डिटेल्स में समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। स्लॉट 5 में आप लोगों को इसका जो ब्लड रिलेशन का वीडियो है आपको YouTube पे बहुत सारा मिल जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे PDFs मिल जाएंगे। स्लॉट 5 में 9 और 10 बजे के बीच में आपको रिवाइज व्हाटएवर यू रीड टुडे, जो कुछ भी आप पढ़ें उसे एक बार जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए रिविज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविज़न करिएगा डेली बेसिस पे, तो आपको लास्ट में ज़्यादा वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। आप जैसे जैसे रिवाइज करेंगे, जो जो पढ़ते रहेंगे आपके माइंड पे, वो सारा कैच होते रहेगा। टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग किसी प्रकार का क्वेरीज या गाइडेंस हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय, थैंक यू।